हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रूबिया. वेलकम बैक टू माय चैनल. ओके, सो दिस इज अ लिटरली रिलैक्सिंग वीडियो. सो आई एम शूटिंग दिस इन अ वीक डे बिकॉज मुझे वीकेंड्स पे टाइम नहीं मिलता है. एंड यस, सिंस इट्स अ वेडिंग सीजन एंड आई एम हियर टू शेयर फेशियल किट एंड ऑल दोज पैम्परिंग थिंग्स बिफोर वेडिंग जो हम लोग बाहर करवाते हैं, लेकिन मैं कभी भी बाहर नहीं करवाती हूँ. आई ऑलवेज डू एट होम. आई हैव अ सेपरेट tons of videos on my channel already, but right now I came across with something very different, so I thought to share with you guys. So if you guys don't know me, hi, I am Dhruvi, and if you are new to my channel, do subscribe to my channel and click on that bell icon so you'll get something new to see every week. Okay, and follow me on my Instagram as well. Okay, so we'll just start with the video. Okay, just to give you a brief, this is Himalayan facial kit. Now you will be like, ये स्पॉन्सर्ड है? नहीं, ये थोड़ा भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, बिकॉज ये लॉन्च हुए ऑलमोस्ट 1 or 2 years हो चुका है, तो अभी स्पॉन्सरशिप करके कोई फायदा नहीं है. तो आई हैव परचेज दिस एंड द एम आर पी ओवर योर इज दैट 825 rupees ओनली. गाइज, इमेजिन 825 rupees. अगर हम लोग बाहर भी कराने जाते हैं तो इतना तो खर्चा हो ही जाता है. इसमें आप, आपकी मॉम, आपकी सिस्टर, बहुत सारे जन कर सकते हैं. तो दिस इज वेरी नाइस एंड हिमालयन इज अ ट्रस्टेड ब्रांड. आई हैव बीन यूजिंग देयर स्क्रब एंड फेस पैक सिंस एजेस. लाइक आप, आई जस्ट लिंक दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. टू यंग दैट टाइम, यू विल सी बेबी ध्रुवी ओवर देयर. तो तब भी मैंने ये हिमालयन का स्क्रब और फेस पैक यूज करके वीडियो बनाया था, बट दिस टाइम आई एम योर विद दिस फुल किट. So just to give you a brief, this is a full kit, Himalayan neem facial kit. There are 7 products inside this, 6 products and 1 massager. And the next thing is that they have 6 steps. Like हर एक प्रोडक्ट का हर एक स्टेप वाइज उन्होंने डिस्क्रिप्शन भी दिया है बॉक्स पे. लाइक पहले ये प्रोडक्ट यूज करो, बाद में ये, नेक्स्ट नेक्स्ट गोज ऑन. एंड सिमिलरली डिटेल डिस्क्रिप्शन पीछे दिया हुआ है. लाइक यहाँ पे सिर्फ नंबरिंग दिया है और पीछे डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है. सो लाइक कन्फ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं है. यू कैन सी दिस इज हाउ इट इज. ये बहुत ही हैंडी है एंड ये बहुत ही क्यूट है. लाइक मैंने मंगा के रखा था, 2 हफ्ते हो चुके हैं, ऐसे ही टेबल पे पड़ा था. एवरी वन यूज टू लाइक, ध्रुव ये मस्त है यार, ये अच्छा है दिखने में, ये सब सब बोल रहे थे घर वाले. बट एनी वेज, आई एम हेयर टू शेयर विद यू गाइज. सो इट हैज अ फेस वॉश, इट हैज अ फेस क्लेंजिंग मिल्क, फेस स्क्रब, फेस टोनर, फेस पैक, फेस मॉइस्चराइजर फॉर द लास्ट. ओके, वी विल जस्ट ओपन दिस. स्मेल भी अच्छा आ रहा है, जैसे नॉर्मल हिमालयन प्रोडक्ट्स का आता है वैसे ही है. मुझे ये मसाजर में ज़्यादा इंटरेस्ट है. मैंने रिव्यूज़ देखे थे, बहुत ख़राब रिव्यूज़ थे कि मसाजर चलता नहीं है, इट इज़ बैड एंड ब्ला 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 ब्ला. देखते हैं हमारा चलता है कि नहीं. ओके, दे हैव 2 अटैचमेंट्स, एक जो ऑलरेडी अटैच्ड है और एक अलग से दिया हुआ है. लेकिन सेल डालना है इसमें, यहाँ पे मैं सेल्स लेके आती हूँ. आई हेट दिस सेल वाले प्रोडक्ट्स, बट ठीक है, क्या ही कर सकते हैं. आई जस्ट बी बैक. ओके गाइज, मैं 2 AC का रिमोट, 1 TV का रिमोट लेके आई हूँ. जो भी सेल जाएगा हम लोग डाल के चेक कर लेते हैं. ये आई थिंक AC के रिमोट का ही जाएगा बिकॉज छोटा ही स्पेस है. ओके, इट्स वर्किंग यार. लोग रिव्यूज दे रहे थे नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, पर ये चल रहा है. मैंने थोड़ा भी एक्सपेक्ट नहीं करा था, थोड़ा मतलब 1% भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये चलेगा. ये दूसरा अटैचमेंट भी है, सब टेस्ट करेंगे हम लोग 1 by 1. इसमें जैसे लिखा है एज अ गुड गर्ल, इसको ही फॉलो करेंगे. ओके, सो फर्स्ट इट सेज फेस वॉश. लेकिन उससे पहले आई जस्ट रिमूव माई ब्रेसलेट, माई वॉच एंड टाई माई हेयर. एंड मैं यहाँ पे ही पानी वानी सब लेके बैठी हूँ, सो आई एम नॉट गोइंग टू गेट अप टू वॉश माई फेस बिकॉज आज मुझे ज़्यादा ही बोर हो रहा है. बार बार कौन खड़े होगा, उसे तो सब लेके ही बैठो. ओके, ऑल सेट. नाउ द फर्स्ट स्टेप ओवर हियर इज फेस वॉश. सी, मेरे मुंह पे बेसिक मेकअप है जो मैं डेली लगाती हूँ, लाइक कॉम्पैक्ट पाउडर, लिपस्टिक एंड लाइनर, दैट्स इट. नथिंग मच लाइक फाउंडेशन, ये बीबी क्रीम, वो सब नहीं है. सो इट कम्स विथ अ 50 ml फेस वॉश, दैट इज नीम ग्रीन वाला फेस वॉश, जो आई एम 100% श्योर बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया होगा ऑलरेडी एटलीस्ट वंस इन देयर लाइफ. ये बहुत गो टू फेस वॉश है लाइक फॉर कॉलेज गर्ल्स. मुझे मेरे कॉलेज की याद आ गई, लाइक इन 10th 11th में ये फेस वॉश यूज़ करती थी. आई हैव वाटर इनसाइड दिस.
okay, it feels good. Like normal सा face wash ही है, but ठीक है मुझे बहुत nostalgia feel हुआ ये face wash use करने के बाद. So do let me know in the comment section, have you used Himalayan face wash, Himalayan neem face wash ever before, like in your college days? If not college then कभी भी use किया है, do let me know in the comment section. Okay, so now the next step over here is face cleansing milk. तो ये वाला cleansing milk है. I think ये makeup remove करने के लिए होता है, but मेरा तो हो गया है makeup remove. Okay, so it gives 100 ml product. It is refreshing cleansing milk of Himalaya. Okay, face wash से जो भी अगर कुछ रह गया है तो ये इससे clear कर देता है. Smell. I am using this for the first time. Cleansing milk. Like Himalaya का नहीं, मैंने कोई cleansing milk ही use नहीं किया है जीवन में. इसको कैसे use करते हैं? I have no idea. ऐसे ही करते हैं, I guess with cotton करते हैं. It is used to remove makeup. I think so. One of my cousin uses. So मुझे थोड़ा थोड़ा सा idea है, याद आ रहा है. Okay, it smells good. और ठीक है, अच्छा ही है. यहाँ पे होगा ना हाउ टू यूज. ओके, कॉटन से ही लगाना रहता है और इसको वाइप करना रहता है, ऐसा लिखा है प्रोडक्ट पे, बट मैंने तो ऐसे ही अप्लाई कर दिया. ये मेनली मेकअप रिमूव करने में काम आता है और मेरा तो मेकअप था ही नहीं तो मैंने ठीक है हाथ से, लेकिन अगर मेकअप रिमूव करना है तो आप ये यूज कर सकते. एंड वैसे भी सिंस ये फेशियल किट है तो यहाँ पे हम लोग को प्रॉपर क्लीन करना रहता है स्किन बिफोर यूजिंग एनी स्क्रब और फेस पैक और एनी ऑफ द अदर प्रोडक्ट. लेट्स वाइप इट. इसमें पानी है, बहुत ये गुलाबरी का मेरा बॉटल है जो खत्म हो जाता है, मैं उसमें पानी भरती हूँ. लाइफ हैक, डू गिव इट अ ट्राई. नाउ द नेक्स्ट स्टेप ओवर हियर इज हिमालयन प्योरिफाइंग नीम स्क्रब. ओके गाइज, आई जस्ट गिव द लिंक्स ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स इंडिविजुअली एज वेल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग एनी वन और टू प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिस किट, एंड पूरा किट बाय नहीं करना है तो आई जस्ट गिव द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, सो दिस इज हिमालयन प्योरिफाइंग नीम स्क्रब. इट इज 50 grams एंड द बॉटल इज क्यूट. ये स्पेशली वेडिंग सीजन्स में बहुत काम आता है. अभी घर पे शादी है, हम लोग 4-5 गर्ल्स है. बॉयज गाइज कैन ऑल्सो यूज डेफिनेटली, मेरे ब्रदर्स यूज करते हैं, बट फॉर गर्ल्स स्पेशली बाहर नहीं जाना है तो ये बहुत ही अच्छा पड़ता है. लाइक हम लोग काफ़ी जन कर सकते हैं इसमें. ओके, सो इट हैज ग्रैन्यूल्स ओवर योर, यू कैन सी, और इसको अप्लाई करना रहता है. डोंट फॉरगेट योर नेक, वरना नेक का शेड एंड फेस का शेड डिफरेंट हो जाएगा. ओके गाइस, सो आई हैव स्क्रब्ड माय फेस कम्प्लीटली थरली एंड नाइसली. सो यस, डोंट फॉरगेट योर नोज कॉर्नर्स, योर टिप ऑफ द नोज, डोंट फॉरगेट योर ईयर्स कॉर्नर एंड योर नेक, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. नाउ आई विल जस्ट वॉश माय फेस एंड बी बैक ओवर हियर, सो जस्ट होल्ड ऑन. ओके गाइस, सो आई हैव वॉश्ड माय फेस एंड हैव टू वॉश विद ओनली टैप वाटर. इसमें और कुछ एक्स्ट्रा यूज मत करना, डोंट वॉश इट विद फेस वॉश बिकॉज इसके ऊपर हम लोग फेस पैक लगाने वाले. बट बिफोर दैट आई एम प्लानिंग टू यूज दिस मसाजर, मसाजर या क्लेंजर जो भी है, आई एम प्लानिंग टू दिस ऑन माय वेट फेस. स्क्रब किया हुआ था तो लेट्स स्टार्ट. ओके, फास्ट भी होता है. मैं अभी कंप्लेन करने वाली थी, मतलब मैं अभी बताने वाली थी कि ये बहुत स्लो है, ये फास्ट होता तो अच्छा होता. और ऑन योर सेकेंड क्लिक ये ज़्यादा फास्ट हो जाता है. नाइस, अभी आई एम सैटिस्फाइड. वो पहले वाले में आई वॉज वेरी बोल्ड. ओके, ऐसे भी कर सकते. वाओ, नाउ आई एम एंजॉयिंग इट. ओके, डूज एंड डोंट्स टू यूज़ दिस. फर्स्ट क्लिक पे ये बहुत स्लो चलता है और सेकंड क्लिक पे ये फास्ट चलता है, सो गो फॉर सेकंड क्लिक. एंड जब आप कर रहे हो तब आपके हैंड्स भी ऐसे रोल करो तो उससे ज़्यादा अच्छा और इफेक्टिव रिजल्ट आएगा, ऐसा मुझे लगता है. वाओ, दिस इज़ वेरी रिलैक्सिंग. एंड ये वाटर प्रूफ है तो इसको पानी में डाल के हम लोग वॉश भी कर सकते हैं. ओके गाइज, सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप, लाइक सारे बॉटल्स ऑलमोस्ट बाहर आ चुके हैं. सेकेंड लास्ट स्टेप, दैट इज हिमालयन प्योरीफाइंग नीम पैक, लाइक फेस पैक. इसको फेस पैक बोलता है. तो ये भी मैंने बहुत बार ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है. ओके, सेकेंड लास्ट प्रोडक्ट नहीं है ये, थर्ड लास्ट प्रोडक्ट है, और दो प्रोडक्ट है इसके बाद. ओके, फेस पैक लगा के बैठ जाते हैं अभी.
ओके सो बिफोर यूजिंग दिस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट में हमेशा होता है, मैं जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट है उसमें भी है, यू हैव टू शेक इट वरना ना पानी ही आएगा बाहर. एंड इसका स्मेल ना बहुत नीम नीम वाला आता है, तो इट्स नॉट दैट बैड बट अच्छा है, रिफ्रेशिंग है, इट टेक्स यू टूवर्ड्स नेचर, ज़्यादा अच्छा लगता है. लेकिन कलर एकदम मिट्टी जैसा है, ब्राउन कलर है, तो इफ़ यू आर कलर फोबिक, जिसको कलर देख के ही मन नहीं करता है सारी चीज़ें यूज़ करने का, तो आप मत ऑर्डर करना, बिकॉज इसका कलर बहुत ही ख़राब है देखने में, लाइक मिट्टी मिट्टी जैसा है, बट इट इज़ इफेक्टिव एक्चुअली. लाइक मैं एकदम नॉस्टैल्जिया हो गई, लाइक पुराने ज़माने में चली गई. पुराने ज़माने से भीड़े की याद आती है यार, तारक मेहता में. बट एनीवेज एक्चुअली मैंने ये बहुत यूज़ किया है, लाइक इन माई चाइल्डहुड एज वेल. मेरी मम्मी मेरे को यही लगाती थी कि इधर भी बाहर जाना रहता था ना, इन माई 9th 10th 8th, किसी की भी शादी रहेगी कुछ भी रहेगा ना, यही है, यही फेशियल है हमारे लिए घर पे. तो ओके लगा दिया है, भूत लग रही हूँ मैं, आई नो, बट वील वेट टू गेट इट ड्राई एंड देन गेट बैक टू यू वंस इट इज ड्राई. टिल दैट टाइम आई जस्ट स्क्रोल ऑन इंस्टाग्राम एंड हैव फन. ओके गाइस, सो इट हैज ड्राइड, लाइक ये टच करने पे कुछ आ नहीं रहा है हाथ पे. एंड सेकेंड थिंग इज दैट वो खींचने लगता है थोड़ा थोड़ा, सो यू नो इट इज ड्राइड एंड यू हैव टू वॉश योर फेस विथ नॉर्मल टैप वाटर. तो आई जस्ट वॉश माई फेस एंड बी बैक. तो फेस वॉश या ऐसा कुछ यूज़ नहीं करना है, जस्ट टू क्लियर योर सेल्फ. यार आई एम फीलिंग सो रिलैक्सड. ऐसे बोर होता है ये सब करने में, लाइक ऑन रेगुलर डेज, अगर वेडिंग या कोई ओकेजन है तो ही हम लोग करते हैं. बट आई बिलीव यू शुड डू एवरी वंस अ मंथ. इट विल मेक योर स्किन फील गुड एंड मेक यू ऑल्सो रिलैक्सड. ओके फाइनली आई कैन सी द डिफरेंस. यार मतलब काफ़ी डिफरेंस लग रहा है. ओके नाउ द नेक्स्ट स्टेप ओवर हियर इज फेस टोनर. सो वी हैव टू यूज़ टोनर. सो टोनर तो मैंने कभी हिमालय का यूज़ नहीं किया है. आई हैव बीन यूजिंग गुलाबरी ओनली एंड ओनली सिंस लाइक रोज़ वाटर, एंड जो बाकी ब्रांड्स से आते हैं वो यूज़ कर लेती हूँ मैं, लेकिन आई एम बिग फैन ऑफ रोज़ वाटर. ओके द स्मेल इज़ गुड, बट द ऑफ पार्ट फ्रॉम हियर इज़ दैट वो स्प्रे वाला नहीं है. यार ये देखो, ये गुलाबरी का बॉटल आता है, ये स्प्रे वाला आता है, बट इट इज़ 100 ml एंड इसका अगर इंडिविजुअल MRP देखा जाए तो 95 है. ओके सो दिस इज़ द कॉटन एंड दिस इज़ द टोनर. आज तक मैंने टोनर कॉटन से नहीं लगाया है, बिकॉज मैं स्प्रे वाला ही बाई करती हूँ और वही यूज़ करती हूँ. बट एनी वेज द स्मेल इज़ गुड, लाइक क्वाइट गुड. ओके गाइज, टू बी ऑनेस्ट, टोनर इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. सो जो लोग यूज़ नहीं कर रहे हो, समझ लो टोनर एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इट हेल्प्स योर स्किन टू कीप क्लीन एंड टू गिव द इवन टोन एज वेल, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. एंड नेक्स्ट थिंग, डू वी हैव टू वॉश दिस? नो वी डोंट हैव टू वॉश टोनर. वंस यू अप्लाई टोनर यू डोंट हैव टू वॉश योर फेस. ईदर वाइप इट विथ योर टिश्यू पेपर इफ यू वॉन्ट, और इज जस्ट लेट इट ड्राई. इट गेट्स ड्राई वेरी सून, तो उसका भी वो प्रॉब्लम नहीं है. नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप फ्रॉम दिस बॉक्स, खाली हो गया है पूरा बॉक्स, इज this moisturizer. This is 100 ml and yes, so let's see consistency. I'm very particular with moisturizer because I have dry skin, combination skin on my face, लेकिन body पर dry skin रहती है तो मुझे बहुत पता है. Okay, the smell is decent enough, not that great but decent enough. Okay, so I have done a separate video on moisturizer, like लोशन, बॉडी लोशन. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर गुड बॉडी लोशन दिस विंटर, डेफिनेटली गो एंड वॉच दैट वीडियो. ओके मैंने ज़्यादा ले लिया है बिकॉज कंसिस्टेंसी इज लिटिल रनी, नॉट दैट रनी एज वेल, बट थोड़ी ज़्यादा रनी है, ज़्यादा थिक भी नहीं है. एंड आई डोंट लाइक सच थिक मॉइस्चराइजर एज वेल बिकॉज वो फिर स्टिक करते हैं फेस पे. सो आई जस्ट अप्लाई ऑन माई हैंड्स. ओके गाइज डन, दैट्स इट. लाइक यू कैन सी द डिफरेंस ऑन माई फेस, मुझे तो लग रहा है काफ़ी डिफरेंस. ओके गाइज, दैट वॉज ऑल फॉर टुडे. आई विल पुट द लिंक ऑफ दिस फेशियल किट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स एज वेल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड आफ्टर फेशियल, लाइक वॉट आर द प्रोसीजर, लाइक वॉट केयर डू यू हैव टू टेक आफ्टर यू डू एनी ऑफ द फेशियल, और इफ यू फॉलो एनी ऑफ दिस स्क्रब, फेस पैक और फेशियल किट, यू हैव टू टेक केयर लाइक 24 आवर्स तक डोंट यूज एनी हार्श सोप और एनीथिंग ऑन योर फेस.
Second thing is don't go under sun, and in case it is emergency and you have to go, apply sunscreen at least for next 4 to 5 days. Don't forget sunscreen. Sunscreen is very important. In fact, you should apply every day. But if you are a person who don't apply every day, you have to at least apply for next 4 or 5 days for your good glowing skin. And for next 24 hours, don't use any of the makeup. So, agar shaadi kar le, to aaj ye karne mat baitho. Agar parso shaadi hai, to aaj karne baitho. So, keep a gap of 1 day. So, aap makeup laga sako properly. Because it will... Since आप समझ रहे हो कि हम लोग ने ऑलरेडी स्क्रब किया है, हम लोग ने क्लीन किया है पूरी स्किन को, तो वो स्किन को भी थोड़ा टाइम चाहिए प्रॉपरली ठीक होने में, हील होने में. तो उसके लिए हम लोग को टाइम देना पड़ता है, और उसके ऊपर ही अगर हम लोग मेकअप यूज करेंगे तो यू गाइज नो बेटर स्किन का क्या हालत होगा. तो जस्ट टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे नहीं, लाइक आप कहीं पे भी फेशियल करा रहे हो, पार्लर में भी करा रहे हो, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. जस्ट टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स. एंड आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल. आई होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू लव्ड मी. डू हिट लाइक टू दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम जस्ट टू स्टे कनेक्टेड. येस, दैट वॉज ऑल फॉर टुडे. एंड येस, विश लिस्ट में तो डाल ही दो ये प्रोडक्ट. अगर बाय नहीं कर रहे हो तो कभी ना कभी तो यूजफुल ही है, काम में ही आएगा. वेरी गो टू ब्रांड फॉर एवरी टीनेज गर्ल, इवन अडल्ट, बट टीनेज गर्ल्स के लिए तो एकदम गो टू ब्रांड है. बिकॉज ये अफोर्डेबल है एंड इट्स अ गुड क्वालिटी ब्रांड. येस, दैट वॉज ऑल. बहुत बक बक कर दिया यार, बहुत लंबा वीडियो भी हो गया शायद से. बाय 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 बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो.